वाली अरवी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने हाफ के जी अरवी लिया, इसको बॉइल्ड कर लिया, इसको छील लिया और इसको दो भाग में काट लिया है। तो अब हम इसको फ्राई करते हैं। फ्राई करने के लिए ऑयल गर्म कर दिया है और इसमें अब हम धीरे धीरे डालकर इसको फ्राई करेंगे। अरवी को हमने फ्राई कर लेना है। तो ये देखिए हमारी अरवी फ्राई हो चुकी है, अब हम इसको निकाल लेते हैं। तो ये देखिए फ्राई हो चुकी है, तो ऑयल गर्म हो चुका है। इसी कढ़ाई में हमने ये एक इलायची, हरी चिल्ली और जीरा और अजवाइन का छोटा छोटा एक टीस्पून ले लिया और इनको डाल देंगे और मिक्स कर लेते हैं। एक कटोरी लेंगे, उसमें हमने एक गरम मसाला डाला एक चम्मच, इसी में हमने एक चम्मच सौंफ पाउडर डाला और फिर इसी कटोरी में हमने एक चम्मच चिल्ली पाउडर डाला है। ये देखिए पानी मिक्स करके हम इसका पेस्ट बना लिया है और ये पेस्ट हम इसमें डाल देंगे। मसाला भून चुका है, इसी में हमने एक कटोरी ये दही डाल देना है और इसको अच्छे से मिक्स करते रहना है ताकि ये दही हमारा फटे नहीं। एक बाउल हमने इसी का ये पानी डाल देना है और इसको मिक्स करना है। बॉइल्ड आने तक हमने इसको हिलाते रहना है। नमक डालेंगे 1 से 1.5 चम्मच पेस्ट अनुसार और इसको मिक्स कर लेंगे। अभी हमने इसको कंटिन्यू चलाते रहना है ताकि दही हमारा फटे ना। जब तक बॉयल नहीं आ जाता है तब तक हमने इसको ऐसे ही चलाते रहना है। तो ये देखिए हमारे इस दही में बॉयल आ चुका है। तो अब हम इसमें ये फ्राई की हुई अरबी डालेंगे। ये हमने फ्राई की हुई अरबी ये इसमें मिक्स कर देते हैं और तो लीजिए हमने इसको ढक दिया है, अब 10 से 15 मिनट के लिए पकेगी। तो ये देखिए हमारी ये सब्जी बनकर तैयार हो गई है, दही वाली अरबी की सब्जी। तो हम गैस ऑफ कर लेते हैं और इसको सर्व करते हैं। तो ये देखिए हमारी ये दही वाली अरबी तैयार है। तो कैसी लगी आपको ये मेरी रेसिपी, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।